TVF की एक और ड्रामा सीरीज जो बेस्ड है वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स ऑफ द कंट्री, इट्स CA कोर्स। स्टोरी है कॉमर्स स्टूडेंट आर्ची और विशाल की, जो 12th के बाद CA का कोर्स करना चाहते हैं। पहले तो वो अपने शहर नासिक से ही शुरुआत करते हैं, जहां उनके सर उन्हें CA के फाइनल एग्ज़ाम में पास परसेंटेज स्टूडेंट के बारे में बताकर CA कोर्स की असलियत सामने लाते हैं। साथ ही जैसे TVF के शो में होता है, एक ऐसा किरदार जो खुद असफल होता है लेकिन दूसरों को मोटिवेट करता है, इसमें भी है अपने नीरज भैया, जो हाफ CA हैं, यानी इंटर कर चुके हैं और CA फाइनल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो जी, सारे किरदार नासिक से पहुंच जाते हैं मुंबई, और फिर किस तरह वो मानसिक और सामाजिक प्रेशर के साथ अपने CA कोर्स को चलाते हैं। कुछ फेल का प्रेशर झेलते हैं, कुछ काम का प्रेशर, कुछ अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं, कुछ इसी उतार चढ़ाव के साथ कहानी आगे बढ़ती है। अब इनमें से किसके नाम के आगे CA लगता है और किसके नहीं, ये जानने के लिए तो आपको देखनी होगी हाफ CA। CA चुनने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को और प्रेशर को इसमें अच्छे से दिखाया है। ऐसे लोग जो CA पूरा नहीं कर सके, उन पर कसे जाने वाले ताने और उन पर होने वाले मेंटल प्रेशर को भी ये पेश करती है। और बीच बीच में ये कहा जाना कि कॉमर्स वालों की पढ़ाई साइंस वालों के मुकाबले काफ़ी चिल होती है, जब तक कि वो CA स्टूडेंट नहीं बन जाते, माहौल को थोड़ा हल्का भी बनाती है। कलाकारों की बात करें तो आर्ची यानी एहसास चन्ना ने इमोशनल प्रेशर वाले किरदार को अच्छे से निभाया है। साथ ही विशाल के किरदार में अनमोल कजानी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो क्यूट भी लगते हैं और खूबसूरती से अपने किरदार को पकड़ कर रखते हैं। अब आते हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी यानी नरेंद्र ग्रोवर ने इस सीरीज़ में जान डाल दी है। किस तरह इंसल्ट, वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर को झेलते हुए वो अपनी आशावादी और पॉजिटिव सोच को बनाए रखते हैं, सभी CA एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। खुशबू बैद, हर्ष, पदनीति तक्षत पांडे की लिखी स्टोरी अच्छी है। प्रीतिश मेहता का डायरेक्शन भी दमदार है। आप स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह का एग्ज़ाम प्रेशर झेल चुके हैं या झेल रहे हैं, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, IIT एग्ज़ाम, CA, UPSC, किसी भी तरह का एग्ज़ाम, या आप उन बच्चों के माता पिता हैं, तो आप ये शो ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप इस शो को देखकर किसी को मोटिवेट करने में सफल रहें। अच्छे कंटेंट के साथ मोटिवेशन, रियली गुड जॉब टीम हाफ CA।